भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ द्वारा लोकसभा चुनावों को लेकर आगामी 5 वर्षों में चंडीगढ़ के विकास के लिए अपना रोड मैप संकल्प पत्र के रूप में जनता के समक्ष रखा। पार्टी ने आज पार्टी कार्यालय कमलम में एक पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन और लोकसभा प्रत्याशी किरण खैर ने इसको विधिवत रूप से जारी किया। उनके साथ महापौर राजेश कालिया, संचालन समिति के संयोजक रामवीर भट्टी, पूर्व अध्यक्ष कमला शर्मा, उपाध्यक्ष रघुवीर लाल अरोड़ा, महामंत्री चंद्रशेखर, परिकल्पना कमेटी के संयोजक कैलाश चंद जैन, वरिष्ठ नेता पुरुषोत्तम महाजन और मीडिया विभाग के इंचार्ज रविंदर पठानिया उपस्थित थे। आज हमारे जो भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ प्रदेश की तरफ से जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो हमारा संकल्प पत्र है उसको हम आपके सामने अभी रिलीज किया है, इसको आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस संकल्प पत्र के मुख्यतः दो भाग हैं। एक भाग में हमने जो पिछले 5 साल के अंदर जो सांसद द्वारा, किरण जी द्वारा, कुछ जो कार्य हमारे कारपोरेशन के द्वारा, कुछ हाउसिंग बोर्ड के द्वारा, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो जो कार्य यहां पर चंडीगढ़ में हुए हैं कुछ उनका हमने लेखा जोखा आपके सामने रखा है। और क्योंकि ये हमारी जो उपलब्धियां हैं, आपने कई बार हमारे मुख से सुनी होंगी, कई बार हमने इनके बारे में जिक्र भी किया है, तो आपके सामने इसकी डिटेल आपके सामने पूरी दे दी गई है, इसलिए मैं उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, उसको मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मुख्यतः जो हमारे जो आने वाले समय में, क्योंकि कई चीजें हमने जो पिछली बार भी कही थी, हमने उनसे आगे बढ़कर कुछ चीजों को इम्प्लीमेंट किया, और कुछ चीजें ऐसी भी जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं था उनको भी हमने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में पूरा किया है। आपके सामने जो हम लोग इस शहर की जो विजनरी पॉइंट्स हैं, मैं वो 5-7 उन पॉइंट्स का जिक्र करना चाहता हूं कि हमारे मन के अंदर इस शहर के बारे में जो है वो विजन वो किस पॉइंट तक लेकर जाती है, मैं उसके बारे में आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि चंडीगढ़ जो है एक लैंडलॉक जो एरिया है, चंडीगढ़ चारों तरफ से कहीं पे ऐसी जमीन नहीं है कि इसको आगे बढ़ाया जा सके, या कई बार जैसे सी साइड से जगह को बीच में एक्वायर कर लिया जाता है, या कहीं ऐसी बैरन लैंड होती है कि उसको अंदर डाल के हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए यहां पर एक लिमिटेशन है। ये कृपया जो सिर्फ ये जो घोषणा पत्र है ये सिर्फ आप प्रेस के लोगों को दीजिए, बाकियों में बांटना बंद कर दीजिए, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए नहीं है, आप इसको बंद करिए प्लीज। सिंदर जी ये अपने पास रख लीजिए, आप इधर मंच पर आ जाएं। तो मेरा कहना है कि जैसे एक सिलिकॉन वैली की तरह सैन फ्रांसिस्को डेवलप हुआ, हमारे मन के अंदर ऐसा है कि हम चंडीगढ़ को, क्योंकि यहां पर कोई इंडस्ट्री उस तेजी से आगे नहीं बढ़ सकती क्योंकि पॉल्यूशन नॉर्म्स बहुत सख्त होते जा रहे हैं, और जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है उसकी भी जो है बहुत जो सख्त धाराएं आ रही हैं, तो चंडीगढ़ को अगर आगे बढ़ाना है बिजनेस में, ट्रेड में, इंडस्ट्री में, तो हमें इसको एक आईटी हब के तौर पर इसको डेवलप करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको एक सिलिकॉन वैली की तरफ कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी तरफ हम कदम उठाएंगे। एजुकेशन हब, चंडीगढ़ में आपने देखा है कि हर तरह की ऑलमोस्ट यहां पे पढ़ने के साधन मौजूद हैं, लेकिन चंडीगढ़ को एक एजुकेशन हब के तौर के ऊपर डेवलप करने का, इसके लिए हमारा जो ऐसा विचार है कि हम इसको और आगे लेकर इसको एजुकेशनल हब ये पूरे रीजन की इसको डेवलप करने की तरफ हम आगे बढ़ सकें। एक है कि जो यहां की जो चीजें हैं जैसे सुखना लेक है, रोज गार्डन है, रॉक गार्डन है, बड़े अच्छे कई हमारे पास टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन वो टूरिस्ट स्पॉट्स को उनको ऐसे सेल करने के लिए कि उनको एक दुनिया के सामने एक टूरिस्ट हब के तौर के ऊपर उसको डेवलप किया जा सके, हम चाहते हैं कि इसको हम आगे बढ़ाएं। एक है कि आपने दिल्ली में शायद देखा हो हैबिटेट सेंटर
हम कई बार वहां पर जाते हैं, बड़े बड़े कन्वेंशंस वहां पे होती हैं, इंटरनेशनल लेवल की वहां पे डिस्कशंस होती हैं। हर व्यक्ति जो बाहर से आता है कोई बड़ी कन्वेंशन यहां करना चाहता है, उसको यहां पे लगता नहीं है कि यहां कोई ऐसी जगह है जिसके ऊपर हम चंडीगढ़ को कि यहां पे इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंसेज या बायलेटरल मीटिंग्स ऑफ द टू बिग कंट्रीज दे कैन बी हेल्ड हियर। सो लाइक दिस हम चाहते हैं कि यहां पे एक इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, हैबिटेट सेंटर, कुछ इस तरीके की हब को डेवलप करना ताकि इंटरनेशनल लेवल का यहां पे ट्रांजेक्शनल वर्क, डिस्कशन वर्क और सेमिनार वर्क, ट्रेनिंग वर्क, इसको हम यहां पर लेकर आगे आ सकें। इसके अलावा हमने जो रूटीन के हमारे कई विषय हैं, कुछ ट्रेडर्स के हैं, कुछ बिजनेस वालों के हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के हैं, कुछ हाउसिंग बोर्ड के हैं, कुछ इम्प्लॉयज के हैं, हमने उन चीजों को भी इसके अंदर स्थान दिया है। कुछ ऐसी भी मुश्किलातें रही हैं जिन मुश्किलातों के बारे में लोगों की परेशानियां रही हैं, एक जो वेंडर्स और ट्रेडर्स के बीच का एक उसका सामंजस्य कैसे बनाया जा सकता है कि जिसके अंदर वेंडर्स को भी अपना स्थान मिले और अपने जो शॉपकीपर्स हैं उनके भी बिजनेस के ऊपर कोई हर्जा ना हो, तो उसको भी हमने इसके अंदर जगह दी है। एक जो डड्डू माजरा का जो डंपिंग ग्राउंड है उसका हमने पूरा प्लान ऑफ एक्शन, शायद आपने देखा भी हो, उसको हम अगले 15 महीने के अंदर वो वहां पे एक सुंदर गार्डन बन जाएगा, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बिजली की तारें, अगर आपने देखा हो कि वो शहर में जो खंभों के ऊपर नजर आती है, इसके ऊपर एक पीछे एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर इसको शुरू करने का एक स्पेशल प्रोजेक्ट दिल्ली से लाया गया था। इसको हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़कर चंडीगढ़ के अंदर इसको बाकी जगहों पर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसमें मैं डिटेल में सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल में जाने की बजाय मैंने आपको मुख्य रूप से कि किन विषयों के ऊपर मैंने आपको जानकारी दी है। मैं आशा ही नहीं करता, मैं विश्वास करता हूं कि चंडीगढ़ की जनता जो हमारे पिछले जो कार्य को देख के और जो पिछले हमने कार्य किए, जो बिना वायदा के भी कार्य किए और जो वायदे के बाद भी जो वायदे पूरे किए और जो किन किस चीजों का कहीं पे कानूनी संबंध में कहीं पे कहीं कमी रही है, तो उनको भी हम आगे उनको पूरा करने की तरफ हम आगे बढ़ सकें, इसके लिए हम अपने कदम बढ़ाएंगे। मैं इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस आज के संकल्प पत्र के, ये घोषणा पत्र के, इसके ऊपर आप सबने हमें इसमें साथ दिया। अगर आपका कोई सवाल हो तो मैं उसका जवाब दे दूंगा। अभी किरण जी अपने विचार इसके ऊपर आपसे साझे करें। धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी, बहुत सारी बातें तो संजय जी ने बता दी, एक दो बात क्योंकि इसके ना सब लिखा हुआ है, लेकिन तो भी इसमें एक दो चीजें जो मैं करवाना चाहती हूँ, एक तो जनरल एमनेस्टी फॉर चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड फॉर वायलेशन, जो विच आई प्रॉमिस्ड मंच से भी पूरी जनरल एमनेस्टी जिस तक नोटिस राज खत्म हो वो करवाना चाहती हूँ, और एक बहुत जरूरी पंजाब से डीलिंग करवा के एम्प्लॉयज को सिक्स पे कमीशन दिलवाना चाहती हूँ, क्योंकि उनको उनका पंजाब से लिंक है तो पंजाब इज डिलेड, पता नहीं कितने पे कमीशन पीछे चल रहा है, पे कमीशन बाकी चीजें सारी डीलिंग कराने को, तो आई हैव टू रीडू द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1966 बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा, दैट विल बिकम अ प्रॉब्लम। आप कहेंगे तो वो भी करवा देते पत्रकारों के लिए भी है इसमें कुछ, पढ़ लीजिएगा, अगर मैं बोलूंगी तो अजीब लगेगा लेकिन है इसमें। हम नहीं, हम पेंशन, सीनियर्स को पेंशन दिलाना चाहते हैं, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने वैसे भी अनऑर्गेनाइज लोगों सेक्टर के लिए 3,000 रूपये प्रति माह की पेंशन अनाउंस करी थी आफ्टर 60 ईयर्स ऑफ एज, बट दिस इज नॉट रियली अनऑर्गेनाइज, इट्स क्वाइट ऑर्गेनाइज, लेकिन फिर भी कोई पेंशन होती नहीं फॉर पत्रकारों के लिए, सो दैट वी विल ट्राई टू डू। एंड जो आप लोगों के घरों के वो हैं, क्या बोलते हैं उसको,
सरकारी मकान में जो आपको अलाउड है उसको बढ़वाना चाहेंगे, प्रति पेपर जो भी है। आई थिंक दो मिलते हैं, एक संस्था को उसको बढ़वाना चाहेंगे, मान्यता को अलॉट किए जाने वाले सरकारी मकानों के कोटे की संख्या में वृद्धि करवाई जाएगी ताकि अधिक से अधिक पत्रकारों को सरकारी आवास की सुविधा मिल सके। तो दैट इज व्हाट वी वुड लाइक टू डू फॉर यू। बाकी तो बता ही दिया संजय जी ने सारा कुछ, इसमें और भी चीजें हैं, आपको पास है तो पढ़ लीजिए। पानी दे, अपना फोन देखना बस। पंजाब ताकि उन्होंने लाभ हो। डी लिंक ओनली फॉर दैट रीजन, ओनली फॉर दैट, नॉट फॉर द होल थिंग एट ऑल। ओनली फॉर द पे कमीशन बेनिफिट विच आर अक्रूड टू देम, जो नहीं मिल रहे पंजाब इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा ना। मैडम पे कमीशन का मतलब की है? पे कमीशन का मतलब वो ने पे एंड अलाउंस देने हैं, मतलब यही है। अगर तुम पंजाब नालो डीलिंग करना चाहते नहीं, ऐसी क्यों? डीलिंग करने का मतलब है कि उन्होंने नहीं देते, असी दिलवाना चाहते चंडीगढ़ के इम्पलॉइज न। जिम्मे डीएनईसी दवाया सी, डीएवी ने दिता उन्होंने, नहीं मिल सकता ना। वो ते डीए ते सेंट्रल गवर्नमेंट ने देता, पंजाब ते यूटी ते हरियाणा सारे हिंदुस्तान। असी कोशिश तो कर सकते, लोगों नु पैसे मिल जाएंगे उन्होंने, कोई बुरी गल है? मेरे मैं असी यार उन्होंने इफ दे वॉन्ट टू स्टे विद पंजाब दिस थिंग वी डोंट वॉन्ट टू डी लिंक दम फ्रॉम पंजाब वी वॉन्ट टू डी लिंक द पेमेंट्स ओनली द पे द पेमेंट शेड्यूल वी वॉन्ट टू डी लिंक दैट वॉट इज वॉट आर द थिंग्स दैट आर गिवन टू दैम बाय द पे कमीशन दिच हैज नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड बाय पंजाब फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। इम्प्लीमेंट कराए, सीधी सी बात ये, दैट वी विल गेट सिक्स पे कमीशन इम्प्लीमेंटेड फॉर एम्प्लॉइज इन चंडीगढ़। सिक्स पे कमीशन तो पंजाब का बैठा है, जो रिपोर्ट आओगे उदो ही कराओगे ना, वो तो अपने आप ही हो जाना है। टंडन जी, पिछली बार भी आपने घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें कई वादे किए गए थे, क्या मानते हैं कि वो सारे वादे पूरे हो गए हैं और दोबारा उसको किसी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है या नहीं? अगर पीछे नहीं हो पाए तो इस बार कैसे हो पाएंगे? हर सरकार के अंदर कई तरह के फोकस एरियाज होते हैं और हर सरकार के अंदर जो किस किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट कराना है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर हम पिन पॉइंट करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, जो लाल डोरे वाला एग्जाम्पल है, शायद आपने मन के अंदर वही बात रख के सवाल पूछा हो। उसमें क्या होता है कि इस इशू के ऊपर हमने होम मिनिस्ट्री एडवाइजरी काउंसिल की बैठक हुई, उसमें मैंने ये सवाल उठाया, किरण जी ने भी ये सवाल उठाया, मेरे साथ साथी शायद चंद्रशेखर थे उसमें, कैलाश जी थे, रामवीर थे, हमने ये विषय वहां पर उठाया। वहां पे क्या हुआ कि जो उसका लाल डोरे की जो सीमा है वो उसको एक डी लिंक करके सिर्फ चंडीगढ़ के लिए इम्प्लीमेंट करने की बजाय उन्होंने कहा कि दिस इज अ मैटर जिसको हमें पूरा देश के लिए इसको करना पड़ेगा। अब वो पॉइंट वहीं का वहीं है, हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं लेकिन उसको करने के लिए थोड़ा सा और समय की आवश्यकता है। यूटी एम्प्लॉइज का मामला आया, यूटी एम्प्लॉइज के मामले में आप जानते हैं 2008 की स्कीम निकल के 2012 में शिवराज पाटिल जी ने उसको ठप कर दिया था, बंद कर दिया था, फाइल बंद हो चुकी थी। बीजेपी के प्रयास से वो फाइल दोबारा खुली ही नहीं, उसको दोबारा से सैंक्शन कराने तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैबिनेट के अंदर वहां से उसको ओके करा के वापस
लेकर आना, विच वॉज नॉट अ वेरी इजी थिंग. अब उसको जब इम्प्लीमेंट करने लगे तो उसके अंदर उनकी जो पर फ्लैट का जो अमाउंट आ रहा है वो थोड़ा वो बजट से बहुत अधिक आ रहा है. उसके लिए भी वो चंक बेसिस और प्लॉट बेसिस की इसके ऊपर दो तरह की वो है. हम लोग ने, मैंने भी और किरण जी ने भी, हमने गवर्नर साहब से भी इस विषय से तभी बात करी थी. अब ये है कि ये चुनाव जो संहिता के अंतर्गत ये थोड़ी समस्या है. वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ऑल्सो. नाउ दोज थिंग्स आर अवेलेबल इन अवर लास्ट वन ऑल्सो, बट वी हैव पार्शली इम्प्लीमेंटेड इट. दैट शोज अवर क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड ऑनेस्टी ऑफ डूइंग द थिंग्स. सो दैट थिंग वी आर ऑलरेडी डूइंग. आप टोटल बता सकते हैं पिछली बार में 70 वादे किए और 60 पूरे हो गए, कोई ऐसी संख्या होगी कि इतने होगी, मतलब कोई आपके पास हो कि 70 कर दिए और इतने इतने बचे हैं, इतने कर दिए? इन टर्म्स ऑफ इंटेंट टू डू वी आर 100%. वी इन टर्म्स ऑफ अवर इंटेंट टू डू, इन टर्म्स ऑफ अवर एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, देर आर सर्टन पॉइंट्स विच आर पार्शली इम्प्लीमेंटेड. देर आर सर्टन पॉइंट्स देर आर लीगल blockages. We are now, everyone, you know, we are also more experienced now. Kiranji is also more experienced now. So she has also realized ki ye wala point kahan jaake atka, sarkar mein kahan atka, file kahan atki, mantralay mein kahan atki. Hame bhi pata laga yahan pe board pe kaise cheez atki hai, yahan pe administration mein kahan atki hai, governor sahab ke paas kaise atki. So the things are getting smoother. हम उससे स्मूथ राइड, अभी तक तो थोड़ा कंकर वाली राइड थी, अब वो स्मूथ राइड की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं ये कहना चाहता हूँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, बिल्कुल ट्रेनिंग इज नेवर ओवर. आई एम श्योर यू आर स्टिल लर्निंग टू बी अ गुड जर्नलिस्ट. ये तो लाइफ चलती रहेगी. आपने एडिटर बनना जब तब कैसे होगा, मतलब कि खत्म हो गए ऐसी रजन है. अरे अगे बदोगे तुम भी जड़ा गा वह और दुआ साहब बगम किसी दिन राज्यसभा जाओगे, हम तो स्माइल दे दो. So Lochan ji, I just want to clarify that point. Punjab government was delaying release of dearness allowance to its employees. Resultantly, UT employees were also sufferers as pay scales and allowances of Punjab are applicable in Chandigarh. To mitigate the hardship of employees, I got the payment of dearness allowance released to UT employees by delinking that part from Punjab. Now it has been brought to my notice that Punjab government is sitting on the recommendations of 6th Punjab Commission and their employees as well as UT employees are suffering in availing the revised pay scales. If Punjab government further delays the recommendations, I assure you that UT employees will be granted pay scales better than Punjab without awaiting the recommendations of 6th Punjab Pay Commission. एक्चुअली ना ये संकल्प पत्र ना असी ना तुहानू पहले दिखा के ना उन्हें करेक्शन करा लेनी चाहिए. थैंक यू सर, योर एडवाइस इज ऑलवेज वेरी प्रेशियस. नहीं सर, आई एम ऑलवेज अंडर ट्रेनिंग. मैं तो हाले भी ट्रेनिंग च हाँ. मणिमाजरा में रहते हो? मैम रहता तो चंडीगढ़. वैसे पूछ रही हूँ, मणिमाजरा चंडीगढ़ का ही हिस्सा है. तो बॉयज और गर्ल्स कॉलेज को कहा गया था कि पिछली बार बनाएंगे, इस बार कहा गया कॉलेज बनाएंगे ना बॉयज और ना गर्ल्स. देयर इज ऑलरेडी अ कॉलेज व्हिच हैज बीन पास्ड एंड इट्स देयर, बन रहा है वो कॉलेज. अब को एजुकेशन हो गई ना. एंड नॉट ओनली समझा करो यार ऋषु, कितनी महंगी है यहाँ पर, वो देखते हैं क्या आसानी से लड़के हमको चीजें बनानी पड़ती है. देखो जी कितना कम हमने, आप बोल रहे चीजें कम हो गई है, इसीलिए कम हो गई क्योंकि बहुत सारी चीजें हम करवा चुके हैं और कुछ ऐसी चीजें भी करवाई हैं. वो 50 पॉइंट्स पे भी नजर डाल दीजिए जो पिछली बार मैनिफेस्टो में नहीं थी. मैं पिछली बार लास्ट मिनट आई थी, मैनिफेस्टो मेरे आने से पहले बन चुका था. मैं शहर की नागरिक रह चुकी हूँ, ये मेरा शहर है, यहीं पली बड़ी हूँ, इसकी सारी प्रॉब्लम्स के साथ अच्छी तरह से अवगत हूँ. शायद कॉलोनीज और आउटलाइन एरियाज के बारे में मुझे सीखना पड़ा, बाकी चीजों का मुझे पता है. तो उसमें कई सारी चीजें मेरे अपने दिमाग में थी जो मैंने करवा दी, या लाइक ऑल्सो दीज वायर्स जो अंडरग्राउंड जो पायलट प्रोजेक्ट आया था
was because I spoke, and also because we've been given a smart grid, and we have been giving smart metering to the city also, so that people are not overcharged. So for bijli, for everything, बहुत सारी चीजें प्रोसेस में है, जैसे संजय जी ने बताया. सो दोज आर थिंग्स विच यू डोंट नीड टू रिपीट. यू दे विल डुप्लीकेट बिटवीन थिंग्स डन. एंड अभी जैसे ही हम जीत जाएंगे उसके बाद आप देखेंगे. आपको नहीं लगता कि घोषणा पत्र अभी ट्रेंड बन गया है तो इसलिए बस ये? नहीं, ये बात नहीं है. लोगों को बताना जरूरी है कि क्या क्या हम करवाना चाहते हैं. अब इसके बाद फिर मेरे पास ये बात लेके ना आना कि मैडम हमको घर दिलवा दीजिए, क्योंकि उसके बाद आप लोगों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया. इतनी अच्छी बात आपके लिए भी हमने बोला, फिर भी कोई रिएक्शन नहीं. चंडीगढ़ में अनिति का सबसे ज्यादा हर्ष रही है इसके ऊपर. चंडीगढ़ में पिछले 5 साल काफी काम कराए, पेंशन लग जाए. 7 साल के बाद मजा ही आना, पेंशन लग जाए. आपने 5 साल में पिछले काफी सारे काम कराए, लेकिन नरेंद्र मोदी क्या है 38 मिनट के भाषण में आपका नाम तक नहीं लिया. बहुत अच्छी बात है, मैं उनका ही हिस्सा हूँ, मेरा अलग से नाम लेने की जरूरत नहीं. अगर आप इससे पहले की 4-5 रैलीज देखें, उन्होंने किसी भी कैंडिडेट का नाम नहीं लिया. कोई जरूरी नहीं है, मैं वहां जीतती जाती बैठी हूँ, टिकट दी है, लड़ रही हूँ उन्हीं के पार्टी के सिंबल पे. जरूरी है बार बार किरण जी करना? नहीं, ही इज गिविंग यू अ नेशनल विजन. पिछली बार जब वो आए थे, ही केम एज अ पार्टी दैट वी वर फाइटिंग, वी वर इन ऑपोजिशन, वी वर फाइटिंग फॉर द सरकार. दिस टाइम वो देश के प्रधानमंत्री की तरह आए, तो उनको मेरा नाम लेने की क्या जरूरत है? कोई नया इंसान तो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे. पहली बार थोड़ी मैं आपके लिए वोट की अपील भी नहीं आप ये जो संकल्प पत्र के ऊपर आपके कोई सवाल है ना, आप परसों वाली बात यार इसको सेपरेट नहीं कर लेना. संकल्प भावनाओं को ध्यान रखते हुए लोगों से हमने फीडबैक लिया है, फीडबैक लेने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया, और उसके बाद हमारी जो कैलाश जैन हमारा इसका कार्य देख रहे थे, उन्होंने बहुत मेहनत से इस सारे संकल्प पत्र को बनाया है. इसके अंदर पहले भाग में हमने जो पिछले 5 साल की हमारी उपलब्धियां रही हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, चाहे वो हमारी जो है केंद्र की तरफ से रही हों, चाहे वो एमपी लैड की तरफ से रही हों, चाहे वो हाउसिंग बोर्ड रहा हो, चाहे वो यहाँ की चंडीगढ़ की एडमिनिस्ट्रेशन रही हो, चाहे यहाँ की कॉरपोरेशन रही हो, और ये पांचों स्तर के ऊपर जो जो चीजें इसके अंदर हुई हैं उनके बारे में अच्छे तरीके से व्याख्यान किया गया है. उसके साथ ही साथ तो उसका दूसरा भाग है कि उसमें हम अगले 5 साल में किन चीजों के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में कहा गया है. मोनो रेल का बात उसके अंदर कही गई है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि किस तरीके से यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रिवाइटलाइज किया जाए, तो उसमें हमने मोनो रेल के बारे में बात कही है. चंडीगढ़ को एक सिलिकॉन वैली की तरह डेवलप किया जा सके उसके बारे में ये बात कही गई है, क्योंकि लैंडलॉक्ड सिटी है तो इसके अंदर और जगह कहीं और से ऐड नहीं होनी है. तो इसके अंदर हम किस तरीके से इंडस्ट्री को आगे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री इंडस्ट्री ही सिर्फ यहां आगे बढ़ सकती है. तो इसको एक सिलिकॉन वैली की तरह डेवलप करने का हमने इसमें प्रस्ताव रखा है. एक यहां पे इंटरनेशनल जो बिजनेस सेंटर हैं, जैसे कोई हैबिटेट सेंटर है दिल्ली में, इस तरीके के जो एरिया को डेवलप करने के लिए हमने यहां पर एक उसके अंदर सुझाव दिया है. इसके साथ ही साथ हमने उसके बारे में जो ट्रेडर्स के बारे में, इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, हाउसिंग बोर्ड के बारे में, एम्प्लॉयज के बारे में, हमने उनके बारे में भी जो उनकी समस्याएं रही हैं उसके निजात का भी हमने इसके अंदर संकल्प लिया है. मैं आशा ही नहीं, मैं कर मुझे विश्वास है कि चंडीगढ़ की जनता ये सिर्फ संकल्प पत्र ही नहीं, वो हमारी भावनाओं को भी समझती है कि जिस तरीके से मोदी सरकार ने वो 5 साल के लिए काम किया है, वो 5 साल को आगे बढ़ाते हुए जो पिछला जो ये दौर रहा है, इससे भी हम आगे बढ़ के और भी अच्छे ढंग से हम जो अपने शहर के लोगों की सेवा कर सकेंगे, ऐसा मुझे अनुमान ही नहीं, मुझे विश्वास. ट्रेडर्स और वेंडर्स के बीच काफी टाइम से इश्यू चल रहा है, जिसके कारण आपसे खफा भी है, भाजपा से खफा भी है, उनके लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि अभी तक लीगल इश्यू भी उनका चल रहा है. हमारे से खफा नहीं है, पहली बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. दूसरा ये है कि जो कहीं ना कहीं जब हाईकोर्ट की बीच में इंटरवेंशन होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन के भी हाथ थोड़े से बंध जाते हैं.
ये समस्या आप भी समझते हैं, इसलिए उसको हल करने के लिए उसका जो है आमने सामने बैठ के उसका हल निकालने की आवश्यकता है। हमने जो दिल्ली में भी जो लोग जो दिल्ली जो यहाँ 17 सेक्टर में भी जो लोग बैठे हुए हैं उनके साथ भी हमने बातचीत करके जो तिब्बत मार्केट है हमने उनके एक सजेशन दिया है जिस जो अंडर कंसीडरेशन है कि उनको वहां पे शिफ्ट करके जो 17 सेक्टर है उसको एक तरह से वहां से क्लियर किया जा सके और बाकी जगहों के ऊपर भी उनको वहां बिठाया जाए जहां पे आपस में सामंजस्य बनके आप देखिए जहां पे जिस जगह पे साड़ियां बिकती हैं सूट बिकते हैं अगर बार वहां पे गोलगप्पे वाला बैठता है तो गोलगप्पे वाले का भी फायदा है साड़ियों वाले का भी फायदा है, लेकिन अगर वहां पे साड़ी वाले की दुकान के बाद सूट बेचने वाला बार बैठ जाता है तो नुकसान उसका भी है और उसका भी नुकसान है। दीज थिंग्स दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। आप वहां पे कोई दुकान है तो बाहर कोई गुब्बारे बेच रहा है तो वो वेंडर है, लेकिन अगर अंदर जो दवाइयां बेचने की दुकान है दवाइयां अगर वो वेंडर बेचना शुरू कर देगा तो देर इज अ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। सो मेरे को लगता है कि इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कहां पे दोनों चीजों को इकट्ठा किया जा सकता है वो करा जाए तो दोनों को एक इसका फायदा रहे। नहीं, अब चुनाव में दो तीन दिन रह गए, ऐसे में आपका समय 50 से ज्यादा ऑफिस के मीटिंग्स में जा रहा है, तो दो तीन दिन के आगे की क्या रणनीति रहने हमारी? देखिए एक तो है कि रणनीति को कभी मीडिया के सामने जाहिर नहीं किया जाता और रणनीति जो है दूसरे का वो देखते हुए इट इज लाइक अ रेसलिंग में दूसरा आदमी कौन सा दाव लगाता है तो आपको उसका दाव का जवाब दाव से देना पड़ता है। आप पहले से ही सोच के आओ कि भाई पहला नंबर ये दूसरा ये तीसरा ये, तो मेरे को लगता है वो रेसलिंग क्या करेगा, वो तो फिर पीटी होती है, अगर नंबर बोलते जाओ मैं एक्शन करता जाऊँ, इसलिए इसका जवाब जो है डायरेक्टली देना बड़ा मुश्किल है। अर्थ प्रकाश के लिए कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ मंदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।